राजधानी दिल्ली से लगे यूपी के गाजियाबाद में मई 2018 में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ के लोनी इलाके में स्थित जौहरीपुर एन्क्लेव से 8 माह पहले अगस्त 2017 में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता एक शादीशुदा महिला बेबी के गुमसुदगी का राज खुला। महिला की हत्या कर दी गई थी और उसका शव एक खाली प्लॉट में 6 फीट नीचे दबा दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक मृतका की बहन का प्रेमी है, जिसके साथ वो लिव इन रिलेशन में रहती थी। उसका नाम जान मोहम्मद और प्रधान है। पुलिस का कहना है कि हत्या को अंजाम प्रॉपर्टी विवाद के चलते दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के निशानदेही पर महिला का शव बरामद कर लिया। बेबी का शव लोनी इलाके की पूजा कॉलोनी के एक खाली प्लॉट से बरामद किया गया। पुलिस आरोपियों को लेकर उस जगह पर पहुंची और खाली प्लॉट में गड्ढा खुदवाया गया। गड्ढा काफी गहरा था, जिसमें लाश को दबाया गया था। लाश मिलने की गुंजाइश बेहद कम थी, लेकिन आरोपियों ने जब खुद बताया कि यहाँ पर लाश है, तब गड्ढा खोदा गया और लाश निकाली गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द चाणक्य। आज की इनसाइड स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। आगे भी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 29 अगस्त 2017 को जौहरीपुर एन्क्लेव के रहने वाले किरण पाल की पत्नी बेबी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। इस संबंध में किरण पाल ने बेबी के एक परिचित रमेश नाम के शख्स पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाते हुए कहीं ले जाने का आरोप लगाया। पुलिस ने रमेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। बेबी को लापता हुए 8 महीने का लंबा समय बीत गया, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। 29 अप्रैल 2018 को एसएसपी ने जांच अधिकारी और महिला के पति का आमना सामना कराया तो जांच अधिकारी की लापरवाही सामने आई। उन्होंने जांच अधिकारी को फटकार लगाकर दूसरे अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा। इसके बाद पुलिस को ताबीज बनवाने की बात पता चली तो वह जान मोहम्मद के पास पहुंची। इस पर जान मोहम्मद को लगा कि वह फंस जाएगा तो वह पुलिस से बचकर फरार हो गया। पुलिस का शक यहीं से गहरा गया और उन्होंने जान मोहम्मद को दबोचकर सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला खुल गया। पुलिस ने बताया कि बेबी की हत्या उसकी बहन रेखा ने अपने प्रेमी जान मोहम्मद और प्रधान और उसके भाई अय्या, बेटे दानिश और 2 अन्य साथियों इरफान और मुस्लिम से करवाई थी। ये सभी आरोपी पूजा कॉलोनी लोनी के ही रहने वाले हैं। रेखा और बेबी का मायका बागपत में है। रेखा और उसके पति का शादी के 2 साल बाद ही संबंध टूट गया था, जिसके लिए रेखा अपनी बहन बेबी को ही कारण मानती थी। इसके अलावा बागपत में दोनों की पारिवारिक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को रेखा और उसके भाई बेचना चाहते थे। बेबी इसका विरोध कर रही थी, इसी वजह से बदला लेने के लिए रेखा ने सारा जाल बुना। पूछताछ में रेखा ने पुलिस को बताया कि बेबी का 12 साल का बेटा है जो काफी शरारती है। अपने बेटे को लेकर बेबी काफी परेशान रहती थी। जान मोहम्मद बतौर तांत्रिक भी काम करता था। ऐसे में रेखा ने उसे सलाह दी कि वह जान मोहम्मद से ताबीज दिलवा देगी, जिससे उसका बेटा ठीक हो जाएगा। इसके लिए उसने बेबी को 29 अगस्त को जान मोहम्मद के घर भेजा। साजिश के तहत जान मोहम्मद के साथ रेखा खुद अपने मायके चली गई ताकि हत्या का इल्जाम उसके सिर न आए। बेबी जब जान मोहम्मद के घर पहुंची तो वहां पर जान मोहम्मद के किराएदार इरफान, मुर्सलीन, जान मोहम्मद का भाई अय्या और बेटे दानिश ने बेबी की गला दबाकर हत्या कर दी। उन लोगों ने दिन भर बेबी का शव घर में रखा और रात को जान मोहम्मद के प्लाट में गड्ढा खोदकर दबा दिया। बेबी का मोबाइल भी तोड़कर फेंक दिया गया। पुलिस ने अब इनकी निशानदेही पर 8 माह पुराना शव खुदाई करके निकलवाया और पोस्टमार्टम कराया। बेबी का शव 8 माह पुराना हो जाने की वजह से गल चुका था। हालांकि शव के पास से मिले आधार कार्ड और कपड़ों से पति करण पाल ने पहचान कर ली थी। बावजूद इसके पुलिस ने सबूत के तौर पर उसका डीएनए परीक्षण करवाया ताकि डीएनए रिपोर्ट सबूत के तौर पर केस डायरी में लगाई जा सके। पुलिस की गिरफ्त में आए हत्यारोपी जान मोहम्मद ने खुद बेबी की हत्या की कहानी बताई। उसने बताया कि रेखा अपनी बहन बेबी की हत्या के लिए कई महीनों से प्लान बना रही थी। उसी ने पूरा षड्यंत्र रचा था। रेखा और जान मोहम्मद लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध बने थे। इसी बात को लेकर रेखा उसे ब्लैकमेल करती थी कि अगर उसने बेबी की हत्या नहीं की तो वो उसे रेप केस में फंसा देगी। रेखा ने जान मोहम्मद को यह भरोसा दिया था कि वह उसे लेकर मायके चली जाएगी, इससे बेबी की हत्या का इल्जाम उनके सिर नहीं आएगा। दिनांक 29/8/17 को एक मुकदमा 364 IPC का मृतका के पति ने लिखवाया था
एक अभियुक्त के विरुद्ध, उसको विवेचना में जब ट्रेस किया गया, विवेचनात्मक कार्रवाई सारी की गई, तो उसमें ये पाया गया कि मृतका की एक बहन जो जान मोहम्मद अभियुक्त जो गिरफ्तार किया गया है इसके साथ रहती थी विगत कई सालों से, और उसका दोनों बहनों का आपस में गांव की कुछ प्रॉपर्टी का विवाद था, और उसके अलावा उसकी बहन ये मानती थी कि उसके पति से संबंध विच्छेद इसी के कारण हुआ है। तो मृतका जान मोहम्मद के यहाँ पूजा कॉलोनी में गई अपने बच्चे को ताबीज बांधने के लिए, उससे कि किसी से मिलवा दें, तो उसने उसको उस दिन बुलाया, और खुद वो और उसकी बहन ये दोनों बागपत चले गए प्री प्लानिंग के हिसाब से, और उसके किराएदार इरफान मुरसलीन और जान मोहम्मद का भाई अय्या और उसका एक लड़का दानिश है, ये लोग घर पे रह गए, और इन्होंने कोल्ड ड्रिंक में उसको कुछ पिला के उसके बाद इनका कहना यह है कि गला दबा के उसकी हत्या कर दी और पास में एक गड्ढा खोद के खाली प्लाट में उसको छिपा दिया, और फिर इनको फ़ोन करके बताया कि काम हो गया है, तब ये लोग वापस आ गए।